बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। सलमान, जिन्हें पहले से ही वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही थी, अब मुंबई पुलिस रखेगी उन पर कड़ी नजर। मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा व्यवस्था को टाइटन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, आइए जानते हैं। सलमान खान की सिक्योरिटी इस समय महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बेहद कंसर्न का मुद्दा है, और ऐसा हो भी कैसे ना। हाल में मुंबई में जो हादसा हुआ उसने सभी को शॉक किया है। सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को सरेआम गोली मार दी गई। बाद में इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और वजह सलमान खान के साथ उनके कनेक्शन को बताया। ऐसे में सलमान की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। यहां आपको बता दे, लगभग 2 साल पहले सलमान खान की सिक्योरिटी वाई प्लस कैटेगरी में अपग्रेड की गई थी। नवंबर 2022 में जब एक्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी, तब से उन्हें वाई प्लस की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल भी उनकी गाड़ी के साथ चलेगा। इसके अलावा एक कांस्टेबल, जो हथियारों को इस्तेमाल करने में ट्रेंड है, भी सलमान के साथ रहेगा। यही नहीं, जैसे ही बाबा सिद्दीकी के मौत की खबर आई, सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स बांद्रा के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और वहां भारी पुलिस तैनात थी। सोर्सेज ने ये भी बताया कि जब सलमान शूटिंग पर होंगे तो उनकी लोकेशन पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। वहीं वाई प्लस सिक्योरिटी मिलने से पहले सलमान को मुंबई पुलिस के द्वारा रेगुलर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था, लेकिन सलमान को पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कई बार थ्रेट्स मिल चुके हैं और जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी को हाल में और बढ़ाया गया। रिपोर्टेडली सलमान के साथ साथ उनके फादर और वेटरन स्क्रीनराइटर सलीम खान को भी डेथ थ्रेट्स मिले थे, जिसके बाद सलमान ने गन लाइसेंस भी इशू करवाया था। इसी साल अप्रैल में सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ वर्क फ्रंट पर सलमान करंटली अपने कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं।